इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अप स्टॉक्स में शेयर या स्टॉक सेल कैसे कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं, एक एक स्टेप के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, वरना सही प्रोसेस आपको पता नहीं चल पाएगा। आप स्टॉक्स में शेयर कैसे बाय करते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अप स्टॉक्स में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अप स्टॉक के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन भी कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहां पे नीचे जो ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पोजीशंस, होल्डिंग और ऑर्डर्स का टैब शो होगा। आपने जो शेयर या स्टॉक बाय किया होगा वो आपको पोजीशंस या होल्डिंग्स में शो होगा। मैंने सुजलॉन के 5 शेयर्स डिलीवरी में बाय किए थे, जिसकी डिटेल्स आपको होल्डिंग्स में देखने को मिल रही है। इस सुजलॉन के शेयर को मैंने कैसे बाय किया था उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जैसे मैं इस शेयर को सेल करना चाहता हूं तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो होने लगेगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, जहाँ पे मुझे 0.05 पैसे का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट में देखिए डिलीवरी शो हो रहा है, क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी शो हो रही है, बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेल के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपसे ये पूछ रहा है कि इस शेयर को आप NSE के थ्रू सेल करना चाहते हैं या BSE के थ्रू सेल करना चाहते हैं। NSE में ये ज़्यादा प्राइस पर सेल हो रहा है, सो मैं NSE को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपको साइड में सेल दिखा रहा है और प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे डिलीवरी में ही बाय किया था। क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी शो हो रही है। लिमिट प्राइस को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपसे यहाँ पर एक प्राइस फिल करने को बोलेगा। मान लीजिए अभी ये शेयर 10 रुपये का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये शेयर 10 रुपये 50 पैसे का हो जाए तब मैं इसे सेल करूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 10 रुपये 50 पैसे। ट्रिगर प्राइस को आपको ऑफ ही रखना है। वैलिडिटी में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, IOC और डे। IOC का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल, मतलब अगर आपने लिमिट प्राइस में मान लीजिए 10 रुपये 50 पैसे टाइप किया है और आपने वैलिडिटी में IOC को सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसे में आप सेल ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो यह चेक करेगा कि अभी यह शेयर आपके लिमिट प्राइस के भाव पर है कि नहीं। अगर आपके लिमिट प्राइस पर इस शेयर का प्राइस होगा तो यह तुरंत सेल हो जाएगा, वरना यह ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने डे ऑप्शन को चूज़ कर लिया है और लिमिट प्राइस भी सेट किया होगा, तो यह शेयर पूरे दिन में जब भी आपके लिमिट प्राइस को टच करेगा वैसे ही आपका शेयर सेल हो जाएगा। मैं आपको शेयर तुरंत सेल करके दिखाना चाहता हूँ, सो मैं लिमिट प्राइस को ऑफ कर देता हूँ और वैलिडिटी में IOC को मतलब इमीडिएट और कैंसिल को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी को भी ऑफ ही रखना है। इसके बाद आपको रिव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अवेटिंग स्टेटस दिखा रहा है और cdsl.upstock.com में ये लॉगिन कर रहा है। जब आप पहली बार अप स्टॉक्स में शेयर को सेल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीका से एक अलग सा प्रोसेस फॉलो करने को बोलता है। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉपी और बेनिफिशियल ओनर BOID, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक कर देना है। ये डायरेक्ट करेगा आपको CDSL की साइट पर, और इसके बाद यहाँ पर आपको टी पिन वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। अगर आपको अपना टी पिन पता है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अगर नहीं पता है तो आपको क्लिक हियर टू जनरेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से CDSL का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अभी BOID कॉपी करी थी उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल कर देना है। चलिए मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे OTP वाले कॉलम में फिल कर देना है। तो जैसे कि देखिए हमारे पास ये OTP आ गया है, तो उस OTP को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ,
और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए दिखा रहा थैंक यू योर टीपिन इज़ जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो हमारी मेल है उस पर ये आ चुका है। देखिए जैसे कि ऊपर मैसेज भी आ गया है, और मैं इस टीपिन को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अब आपको प्लीज़ क्लिक हियर टू बैक टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको यहाँ पे कट कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अवेटिंग स्टेटस का स्क्रीन दिखाई देगी। आपको यहाँ पे ट्राई अगेन कर, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये फिर से डायरेक्ट करेगा, और यहाँ पर आपको अपना टीपिन टाइप कर देना है जो कि अभी आपने मैसेज में आपको मिला है। मैं भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस देखिए जैसे कि यहाँ पे आ चुका है 203 283, मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, और ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, यू कैन सेफली क्लोज दिस पेज टू गो बैक टू अपस्टॉक्स प्रो। आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया है, आप इसे कट कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डिलीवरी ऑर्डर समरी। अब यहाँ पर आपकी क्वांटिटी दिखा रहा है कि आपने 5 क्वांटिटी सेल कर दी है। टैक्सेस के बारे में दिखा रहा है। स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर पर आपको स्वाइप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर सेंट, आपका जो 5 क्वांटिटी का जो सेल ऑर्डर था वो एक्सचेंज को सेंड कर दिया गया है। अब आपको डन पर क्लिक कर लेना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर बैक पर आना है, और आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी आपने ऑर्डर दिया था सेल का, वो यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है और ये सेल भी हो चुका है। और इसके बाद देखिए आपके होल्डिंग से ये ऑर्डर जो होल्डिंग में शो हो रहा था यहाँ पे सोल्ड दिखाई दे रहा, मतलब अब आपके पास 0 क्वांटिटी बची है, मतलब सारे जो आपने 5 शेयर खरीदे थे वो आपने 5 शेयर बेच चुके हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप स्टॉक्स में अपनी पहली बार अपने शेयर्स को सेल कैसे कर सकते हैं वो आपने इस वीडियो में सीख लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।